पॉलिटिकल वर्कर्स से सवाल करता हूं कि अपनी पार्टी के लोगों से क्यों नहीं पूछते, पीटीआई के हमदर्द और उनके कारकुन अपनी लीडरशिप से क्यों नहीं सवाल करते कि आप कराची के साथ ये सलूक करते हैं, एमक्यूएम के लोग अपने लोगों का इससे सवाल क्यों नहीं करते। पहले की बात और थी, आप सवाल करते थे तो आपका जवाब हो जाता था, लेकिन अब तो वो मसला नहीं है, अब तो आप पूछ सकते हैं। यहां मैंने सुना आमिर खान साहब भी आए थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी आए थे, आना जाना अब इस वक्त चूंकि लगा हुआ है, इंतखाब का मौका है, उसके बाद तो फिर किसी और इंतखाब में मुलाकात होगी, तो आप इनसे पूछे तो सही कि तुमने हमारी आधी गिनती को नोटिफाई कैसे किया। मैं आम लोगों से नहीं कह रहा, मैं एमक्यूएम के वर्कर से कह रहा हूं कि आपके अंदर अगर कराची से मोहब्बत और यहां के लोगों से मोहब्बत है तो आप अपनी पार्टी के लोगों का घेराव तो करें, पूछो तो सही उनसे। और फिर उसके बाद एक और तमाशा यह किया कि कोटा सिस्टम में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजाफा भी पीपल्स पार्टी ने नहीं किया इजाफा, बल्कि पीपल्स पार्टी बहुत होशियार है, वो ये काम डायरेक्ट नहीं करते, उनको इन जैसे बेवकूफ लोग मिले हुए हैं, और इन्होंने पीटीआई और एमक्यूएम ने मिलकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम में इजाफा कर दिया। तो मैंडेट भी हमसे लो और छुरा भी हमारी पीठ में घोंपो, ये नहीं चलेगा इमरान खान साहब और नहीं चलेगा एमक्यूएम के हमारे बुजुर्गों। अब लोगों को शऊर आ रहा है, लोग इस बात को पहचान रहे हैं।